अनुसार वे लोग किसी महामूर्ख की क्लास में निकले तो निकले स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जो वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी को अपने कुल्हाड़ी द्वारा इस प्रकार से काट रहा था यदि वह डाली फट जाती उसके साथ ही नीचे गिरकर उस मूर्ख का प्राण भी हो जाता। उस व्यक्ति को वज्रमुख समझकर पंडितों ने उसे आग्रह करके पहल को वृक्ष से नीचे उतारा। उस राजकुमारी के साथ विवाह कराने का लालच देकर से वस्त्र पहनाकर अपने साथ राजदरबार में ले पहुंचे। रास्ते में ही उन्होंने उस मूर्ख को यह भी समझा दिया था कि राजदरबार में पहुंचने पर जब राजकुमारी कोई प्रश्न करे तो वह उसका उत्तर न देकर चुप बना रहे। उसकी ओर से भी पंडित लोग स्वयं प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो हम इस बात पर भी सहमत हो गया। अस्तु राजदरबार में पहुंचकर उस पंडितों ने राजकुमारी दुर्योधन से कहा कि तब हम लोग अपने दुर्योधन को साथ लेकर आपके पास आए हैं, परंतु इन दिनों ये मौन व्रत धारण किए हुए हैं तथा ये आपके प्रश्नों का उत्तर संकेतों में देंगे तथा उन संकेतों की व्याख्या हम लोग करेंगे। राजकुमारी पंडितों के छल को न समझकर इस बात पर सहमत हो गई। कहा जाता है कि राजकुमारी ने भी मुंह से कुछ न बोलकर संकेतों के माध्यम से ही शास्त्रार्थ आरंभ किया। उसने सर्वप्रथम यह जानने के लिए कि ईश्वर एक है अथवा उसका गुरुत्व है अपनी एक उंगली दिखाई। उसे देखकर मूर्ख ने यह समझा कि राजकुमारी एक आंख फोड़कर फोड़ देने का संकेत कर रही है, अतः उसने क्रोध होकर अपनी